ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। हम हजारों लोग गल कटवाने के लिए इस बात पे तैयार हैं, कोई साबित कर दे सच को तो हम लाखों लोग जाने भर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच की खोज में, फैक्ट की खोज में लोगों के बीच में जा रहे हैं, जानते हैं कि क्या फैक्ट है बाबा राम रहीम जी का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में लोगों का क्या कहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? बलजिंदर सिंह जी। बलजिंदर सिंह जी, आपको क्या लगता है समाज के लिए कोई काम किए हैं बाबा जी ने? बिल्कुल जी, समाज भलाई के लिए जब से डेरा बने 48 से, तब से ही मंत्र भलाई के काम चले हैं। पहली पातशाही ईसा मस्ताना जी ने किए, दूसरी पातशाही परम पिता सतनाम सिंह जी ने, तीसरी पातशाही डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा ने। क्या क्या काम किए हैं यहाँ से? 136 जो मंत्र भलाई के काम कर रहे हैं, जिनमें से मेजर काम है बॉडी डोनेट, आई डोनेट, ब्लड डोनेट, जो बड़े पत्र पे इस संस्था ने काम किए। हम इस संस्था से 79 से जुड़े हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं, बचपन से ही यंग एज में भी आए, आप भी हमें इधर आ रहे हैं, डेरे में जुड़े हुए हैं। तो पूरे का पूरा जो समय है संस्था वो मंत्र भलाई में लगा रही है जी। क्या मतलब एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं काम के, जस्ट मतलब आंकड़े हैं ऐसे है जी? जैसे ब्लड डोनेट में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, जहाँ मतलब श्री गुरु सर मोदी में बना था, 17,500 के तकरीबन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उस टाइम। जैसे बॉडी डोनेट है, आई डोनेट है, पहले लोग ब्लड डोनेट करने से बहुत डरते थे, उन लोगों को जागरूक किया। फिर जो बॉडी डोनेट है, रिसर्च करने के लिए जरूरत पड़ती है बच्चों को, मतलब भी बच्चे आगे बढ़े, लोगों को बीमारियों से राहत मिले, डॉक्टर साहबान जो चाहते हैं, साइंस चाहती है, लेकिन लोग बॉडी डोनेट नहीं करते थे। जब से गुरुजी ने चलाया, बहुत बड़ी पदर से बॉडी डोनेट हुई डेरे की तरफ से, इनसे लेके के आम जो सोसाइटी है, समाज है, उन्होंने भी शिक्षा ली, वो लोग भी बॉडी डोनेट करने लगे। ये बहुत बड़ी प्राप्ति हुई सोशल में, समाज में, क्योंकि इनसे रिसर्च करके बच्चे जो आगे पढ़ते हैं उनको पता चलता है भी कौन कौन सी बीमारी जो फ्यूचर में आएगी उनसे बचाव किया जा सके। ये बहुत मेजर काम है जो डेरे ने किया। और भी कुछ किया देश के लिए? और जैसे ऐसे किया जी, जैसे मतलब लोगों के मकान बनाते हैं, लोगों को रोजगार देना, लोगों को मतलब समझाते हैं, प्रेरणा देती है संस्था भी काम करके खाओ, मांग के ना खाओ, काम करके खाओ, मतलब हार्ड वर्क करने के लिए भी जो संस्था है वो लोगों को जागरूक बहुत बड़े पद से करती है जी। लेकिन सर उनके बारे में तो इतना कुछ और दिखाया गया है बाबा जी के, लगातार चैनलों में भी आया, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है? सच तो ये है जी, जो लोग गुरु जी के बारे में गलत दिखा रहे हैं, 100% वो झूठ है सारा सिस्टम। हम ये मानते हैं कि हमने पुराना इतिहास पढ़ा है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, कि पहले जो गुरु साहबान थे उनके साथ भी ऐसे हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जो थे, पूर्ण गुरु थे, लेकिन उनको भी देखो कितनी शहादत दी, बच्चों की शहादत दी, उन्होंने अपनी शहादत दी, वो कोई बुराई का काम थोड़ा करते थे, फिर भी उनके पीछे समाज पड़ा, उस समय के राज लोग पड़े, राज महाराज थे उस टाइम, जिन्होंने पनिशमेंट दी बच्चों को। इसलिए आज भी वो चक्कर है, जो लोग बुराई के नुमाइंदे हैं वो साजिश रच रहे हैं, साजिश ऐसी गुरु जी को पसाया गया, बिल्कुल ये 1000% झूठ है। गुरु जी बुराई करते थे, बुराई करते हैं आज भी, हमको जो शिक्षा आती है पूरे वार्ड को, पूरे लोगों को गुरु जी की तरफ से, ये मानवता भलाई के काम करने नहीं छोड़ते। आज भी हम पूरे के पूरे, हम पूरी स्टेट में, पूरे इंडिया में भलाई के काम संगत ज्यों के त्यों कर रही थी, कर रही है, करती रहेगी। क्या आज भी जरूरत है बाबा जी के समाज को? बिल्कुल जी, बाबा जी के समाज को तो इतनी जरूरत है, देख लो जी, जब से बाबा जी गए हुए हैं थोड़ा सा संगत का अभी हौसला जो है वो कम हो गया, जो भलाई के काम थे वो बहुत मट्ठे पड़ गए। नशा जो था, बाबा जी का पहला काम था नशे मुक्त करना समाज को, आज हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में नशे की बाढ़ आई हुई है, जो चिट्टा वगैरह हम तो जानते नहीं क्या क्या नाम है इनसे, इतने इतने स्मैक है, हीरोइन है, फीम है, पोस्ट है, गोलियां है, इतना नशा बढ़ गया जब से गुरु जी गए हैं। हम पूरा आंकड़ा भी लगाया है कि बहुत बड़ी तादाद में जब से गुरु जी गए हैं
बहुत बड़ा सोशल को समाज को घाटा पड़ गया जी। जी सरकार से क्या अपील करोगे उनके? हम सरकार से ये चाहते हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, भी सच को आगे लाओ, गुरुजी बिल्कुल बेगुनाह है और गुरुजी को मुक्त किया जाए। जी आप लोगों को क्या बताओगे, क्योंकि लोगों ने देखा है जो मीडिया में उनको लगातार दिखाया गया अभी बाबा जी के बारे में या डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आप 79 से जुड़े हो, बहुत लंबा समय रहता है, इतने समय का एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्या बताओगे, क्या है डेरा सच्चा सौदा, क्या है गुरु जी? हाँ जी, हम तो 79 से जुड़े हैं, पूरी की पूरी फैमिली। हमने यहाँ पे एक मात्र भी जो गुरु जी पे दोष लगाए गए हैं, इनमें से मात्र भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरु जी तो खुद लोगों को जब नाम दाम देते हैं उस टाइम तीन वचन देते हैं, मीट का, शराब का, और पराई औरत को बेटी के समान है, माता के समान मानना। जो संस्था ये शिक्षा देती है इतने बड़े लोगों को, क्या वो खुद ऐसी गलती कर सकती है? ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। हम हजारों लोग गल कटवाने के लिए इस बात पे तैयार हैं, कोई साबित कर दे सच को तो हम लाखों लोग जाने मार देंगे। थैंक यू सो मच। देखिए कितने जोश से आज ये लोग बाबा जी के साथ हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो 1979 से बाबा राम रहीम जी से जुड़े हुए हैं। आज तक हमने आपको हजारों लोगों की बातें सुनाई, हजारों फैक्ट आपके सामने रखे, लगातार आज भी हजारों लाखों लोग आपके सामने आके बोल रहे हैं, करोड़ों लोग आज भी बाबा जी के साथ खड़े हैं। आप लोग विचार कीजिए, कहां वो चंद लोग जो उस टाइम आपको दिखा रहे थे, जो सूत्रों के नाम पर आपको परोसा जा रहा था बाबा जी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए, कहां ये लोग जो इतने समय से जुड़े हैं और किस तरह से ये फैक्ट के साथ रख रहे हैं कि आज कितनी जरूरत है समाज को बाबा राम रहीम जी की। आखिर क्यों उनके बारे में ऐसा दिखाया गया, आखिर क्यों समाज के भलाई के कामों काम करने वाले को रोका गया? ये लोग, आप लोग खुद सोचिए और जवाब भी जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट टाइप के साथ, और सच का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।